अवसर हमारे संविधान ने दिए और आज उस अधिकार का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और 23 तारीख के बाद इन्हें अपने हित का अपने मर्जी का सरकार को ये बना पाएंगे। मेरे तरफ से शुभकामना है सभी मतदाताओं को कि सभी मतदान करें और अपने विचारधारा की सरकार को खड़ा करें। चलिए, मतदान तो ठीक है, मतदान तो सब करते ही हैं। ये व्यवस्था को लेकर के कुछ शिकायतें मुझे मिली हैं कई जगह। अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया, 10-15 मिनट हो जाने के बावजूद भी शुरू नहीं हो पाया है और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अंधेरे में मतदान किया है आपने, क्या शिकायत मिल रही है? बहुत कुव्यवस्था है, ये तैयारी बहुत ही निंदनीय है। मैं खुद अभी वोटिंग करके आ रहा हूँ जहाँ लाइट का एक भी व्यवस्था नहीं है। मुझे मोबाइल से लाइट जला के वोटिंग करना पड़ा है और ये इस तरह का व्यवस्था सबके पास नहीं है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अभी लोग मतदान नहीं कर पाएंगे अगर लाइट का व्यवस्था नहीं होगी तो। और मेरे कोलेबिरा विधानसभा में अभी तक 4 केंद्र से आ चुका है सूचना कि वहां मशीन खराब है। चूंकि मशीन खराब होना स्वाभाविक है, टेक्निकल चीज है, लेकिन जिस तरह से पिछला बार भी इस सब चीजों को जांच करके करना चाहिए और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी इसके जिम्मेवार पदाधिकारी हैं वे अपने जिम्मेवारी को सही ढंग से नहीं निभा पाए हैं, या जानबूझ कर ऐसा किया गया है वोट को प्रभावित करने के लिए, या फिर उनकी लापरवाही है। चलिए विक्सल जी, ऐसी चीजें चलती रहती है, इसकी प्रॉपर शिकायत आपने कर दी होगी या नहीं की है तो कर दें, इसको ठीक कर लिया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि मतदाताओं का उत्साह बहुत चरम पर है, हालांकि कुछ व्यवस्थाओं में कमी जरूर है, लेकिन हम आग्रह करेंगे सिमडेगा जिला प्रशासन से जो चुनाव के रिटर्निंग अफसर हैं कि जल्द से जल्द तमाम बूथों पर ये फीडबैक ली जाए कि कहां कहां मतदान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।